मैं रामराज मीना सहायक आचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा ग्रुप में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व अग्रिम बधाई देता हूं। आशा करता हूं इस ऑनलाइन टीचिंग का फायदा आप जरूर उठाएंगे। तो पूर्व में मैंने केशव की रामचंद्र का की महाकाव्य के बारे में चर्चा की थी कि केशव की रामचंद्र का महाकाव्य है या नहीं। उन पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास आचार्य रामचंद्र सुखी ने जो आक्षेप लगाए वो उचित है या अनुचित। आज मैं केशव के प्रकृति निरूपण के बारे में चर्चा करूँगा। जिस प्रकार केशव की रामचंद्र का के महाकाव्य के बारे में भी पर्याप्त आक्षेप है, उसी तरह केशव के प्रकृति निरूपण के बारे में भी पर्याप्त आक्षेप है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो यहाँ तक लिखा है कि ऐसे व्यक्ति से प्राकृतिक दृश्यों के सच्चे वर्णन की भला क्या आशा की जा सकती है, यानी ऐसे व्यक्ति से कैसे आशा की जा सकती है कि केशव। ऐसे डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि प्रकृति के अतुलित सौंदर्य से प्रभावित होने के लिए जिस भावुकता की आवश्यकता होती है, केशव में उसका सर्वथा अभाव है। यानी जो भावुकता प्रकृति निरूपण के लिए चाहिए उसका केशव में अभाव है, केशव में है ही नहीं। परंतु ऐसी बात नहीं है, उनमें सर्वत्र प्रकृति चित्र में भावुकता में पूर्णतः सफल रहे हुए ऐसी बात भी नहीं है ना। ये जरूर है कि अलंकारों के झमेले में पढ़कर केशव का प्रकृति चित्रण कहीं कहीं शब्दों की कोरी करामात करते तो और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। उदाहरण के लिए दंडक वन और पंचवटी का वर्णन लिया जा सकता है। ऐसे दंडक वन का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि बेर भयानक सी अति लगे, अर्क समूह जहाँ जगमगे, कहकर श्लेष का चमत्कार दिखाया उन्होंने। ऐसे ही उन्होंने सूर्य का प्रभातकालीन सूर्य का वर्णन करते हुए कैश्रोणित कलित कपाल यह किल कपालिक काल को कहकर अपनी भद्दी रुचि का परिचय दिया। परंतु सर्वथा यही बात हो ऐसा नहीं है। केशव ने अन्य हिंदी कवियों की भांति प्रकृति के उद्दीपन रूप का ही निरूपण सर्वाधिक किया है और केशव के काव्य में आधुनिक कवियों जैसा प्रकृति का संश्लिष्ट एवं बिंबग्राही चित्रण मिलना सर्वथा असंभव है, क्योंकि उस समय तक हिंदी में यह परंपरा विकसित ही नहीं हुई थी। हिंदी के सभी कवि साहित्य शास्त्रों के अनुसार प्रकृति को उद्दीपन विभाव के अंतर्गत अंकित करना ही अपना कर्तव्य समझते थे। केशव ने भी उसी परंपरा का अनुसरण किया है। फिर भी केशव ने प्रकृति की जो विविध झांकियां अंकित की है उसमें आलम्बन रूप में, उद्दीपन रूप में, मानवीकरण रूप में, संवेदनात्मक रूप में, अलंकार रूप में, उपदेशात्मक रूप में और वातावरण निर्माण के रूप में प्रकृति के कितने रूपों का उन्होंने चर्चा चित्रण किया है। तो सबसे पहले हम आलम्बन रूप में लेते हैं। केशव ने तत्कालीन प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रकृति के उद्दीपन विभाव के अंतर्गत ही अंकित न करके उसके आलम्बन रूप का भी चित्रण किया है। उस समय जो कवि थे वो उद्दीपन विभाव के अंतर्गत ही अंकित करना अपना कर्तव्य समझते, लेकिन उन्होंने अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध जाकर के उद्दीपन व्यवहार का अतिरिक्त आलम्बन रूप में उसका अंकित किया। साधारणतः आलम्बन रूप में प्रकृति के दो रूप में चित्र किया जाता है। एक तो उसके विविध पदार्थों के नाम गिनाए जाते हैं, उसे हम नाम परिगणन प्रणाली कहते हैं। दूसरे प्रकृति के संश्लिष्ट चित्र अंकित करते हुए उसके द्वारा बिंब प्रस्तुत किया जाता है, उसे बिंब ग्रहण प्रणाली कहते हैं। तो केशव ने प्रथम प्रणाली को ही अधिक अपनाया है। उन्होंने विश्वामित्र के आश्रम के समीप वर्ती बंद है उसका चित्रण करते हुए लिखा है, तरु तालीश तमाल ताल हिंताल मनोहर मंजुल बंजुल तिलक लकुच कुल नारिकेरवर एला ललित लवंग संग कुंगी फल सुहे सारो सुख कुल कलित चित काकिल अली मोहे शुभ राजहंस कलहंस कुल नाचत मत मयूरगण अली प्रफुल्लित फलित सदा रहे केशव विचित्र वन।
इसमें कोई संदेह नहीं कि केशव ने नाम परिग्रहण प्रणाली का उपयोग अधिक किया है। उसके द्वारा प्राकृतिक सौंदर्य का कोई संश्लिष्ट चित्र पाठकों के समीप अंकित नहीं किया है, क्योंकि इन वर्णनों में कवि का ध्यान प्रकृति के किसी एक सुरम स्थल अथवा रमणीक वातावरण की ओर नहीं गया है, अपितु वह अप्रस्तुत के वर्णन में अधिक उलझ गया है। फिर भी कहीं कहीं केशव ने प्रकृति के संश्लिष्ट चित्र देने की चेष्टा की है, किंतु उन चित्रों में भी केशव की अलंकार प्रियता का ही प्राधान्य रहा है। इसलिए इस प्रकृति चित्र को अलंकार प्रधान कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हुई। जैसे चंद्रमा की प्राकृतिक सुषमा का चित्रण करते हुए केशव का ध्यान चंद्रमा के सौंदर्य से हटकर अप्रस्तुत विधान के सौंदर्य में उलझ गया है। इसी कारण कवि ने चंद्रमा बारे नवीन नवीन उद्भावनाएँ की है। जैसा है, फूलन की शुभ गेंद नहीं, सूंग सची जनु डार दई, दर्पण को शशि श्री रति को, आसन काम महीपति को, फेन किंधो नाम सिंधु लसे, देव नदी जल हंस बसे, शंख किंधो हरिके कर सोहे, अंबर सागर ते निकसोहे। तो प्रकृति चित्रण की इसी अलंकृत प्रणाली का अनुसरण करते हुए केशव ने कहीं वर्षा को कालका के रूप में देखा है, कहीं बसंत को शिव के रूप में देखा है, कहीं ग्रीष्म को शब समूह के रूप में चित्रित किया गया है, कहीं शरद को शारदा बना दिया है, कहीं हेमंत को विमुख प्रीतम की प्रिया बना दिया है, कहीं शिशिर को वारनारी बना दिया है। सारांश यह है कि प्रकृति के आलम्बन रूप को अपनाते हुए भी केशव ने उसे इतना अधिक अलंकृत रूप दे दिया गया है कि उसकी नैसर्गिक सुषमा लुप्त हो गई है और कवि का शब्द चमत्कार मुखरित हो रहा है, यानी उसकी जो नैसर्गिक सुषमा है वो तो लुप्त हो गई है और शब्द चमत्कार मुखरित हो रहा है, यानी आलम्बन रूप का वर्णन करते हुए कवि ने ऐसा किया है। तो प्रथम तो आलम्बन रूप में चित्रित किया है और दूसरा उद्दीपन रूप में, उद्दीपन रूप में भी प्रकृति को चित्रित किया है। तो केशव ने उद्दीपन रूप में तो प्रकृति के अनेक रमणीय चित्र अंकित किए गए। प्राय विरह के क्षणों में प्रकृति विरहीजनों को अत्यंत विक्षुब्ध एवं बेचैन बनाया करती है। उस समय चंद्रमा सूर्य की भांति संतप्त किया करता है, मलय पवन वज्रतुल्य जान पड़ती है, संपूर्ण दिशाएं जलाने लगती है, चंदन कपूर आदि अंगराग शरीर को कष्ट पहुँचाते हैं और साधारण रात्रि भी काल रात्रि सी प्रतीत होने लगती है। इसलिए केशव ने प्रिया के अभाव में विरह राम की दुरावस्था का चित्रण करते हुए लिखा है, हिमांशु सूर सी लगे सो बात वज्र सी बहे, दिशा जगे किसान जो विलेप अंग को दहे, विशेष काल रात सो कराल राति मानियो, वियोग सी को ने काल लोक हर जानी। इतना ही नहीं, कभी कभी कवि प्रकृति के उद्दीपन रूप का वर्णन करते हुए नायिका के मनमोचन की भी व्यवस्था किया करते हैं। केशव ने भी प्रकृति के उद्दीपन पदार्थों को एकत्र करके राधा कृष्ण के मानमोचन का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जैसे उदाहरण है, घनन की घोर सुन मोरन की शोर सुन, सुन सुन केशव अपाल अली जन को, दामनी सी दमक देख दीप सी दिपति देख, शुक्र सेज देख देख सुंदर शगुन को, कुमकुम की बास घनसार की सुबास भयो, फूलन की बास मन फूल के मिलन को, हाँसिया सी बोले दो अनही मनायो मान, छूट गयो एक बार राधिका रमन को। यानि केशव ने प्रकृति के उद्दीपन रूप का भी वर्णन किया है और केशव ने जो प्रकृति के आलम्बन रूप में और उद्दीपन रूप में चित्रण किया है। तो आज हम केशव के आलम्बन और उद्दीपन रूप का वर्णन करें और किया है उन्होंने प्रकृति के मानवीकरण रूप में, प्रकृति के मानवीकरण रूप में भी केशव ने चित्रित किया है। इन केशव ने प्रकृति को केवल जड़ रूप में चित्रित नहीं किया है, अब तो उसमें मानवीय पदार्थ मानवीय व्यापारों के समान सचेतना के भी दर्शन किए। इसलिए प्रकृति मानवों की तरह विविध चेष्टाएं करती हुई विभिन्न प्रकार के चेतन व्यापारों में लीन दिखाई दी है। यही कारण है कि केशव ने अवधपुरी के भवनों पर सुशोभित ध्वजा पताकाएं दंडाधारी सन्यासियों के समान आचरण करती हुई जान पड़ती है। कवि उनके बारे में कह रहे हैं, अति सुंदर अति साधु, थिरने रहत पल अधु,
परम तपोमय मान दंडधारिणी जान। इसी कारण केशव को वर्षा ऋतु कभी अग्नि ऋषि की पत्नी अनुसूया समान आचरण करती हुई जान पड़ती है और कभी वह काली के तुल्य किलकारी मार भरकर आती हुई पुत्र देती है। उदाहरण देखो, तरणी यह अत्रि ऋषि स्वर किसी उर्मे हिम चंद्र प्रवासम दिशी वर्षान सुनो किलके किलकाली सब जानत है महिमा अहिमाली। प्रकृति को मानवीय चेष्टा से देखने कारण ही केशव की शरद ऋतु उस वृद्धा दासी की भांति आचरण करती हुई दिखाई दी है जो प्राय राजभवनों में राजकुमारी को प्रातः काल के समय जगाने के लिए आया करती है। लक्ष्मण दासी बुद्ध सी आई शरद सुजात मनोहू जगावन को हमें बीते वर्षा रात। एन केशव ने आलम्बन उद्दीपन और मानवीकरण रूप में चित्रण को प्रतीत किया है। धन्यवाद।